भाई मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे, भाई 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 मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो। अरे धना, धना के पास आकर फंस गया। ये है धना, रायपुरम का धना है। समुन्द्र से लेकर किनारे तक सब कुछ इसके कंट्रोल में है। नीलम लेने से लेकर पुल बांधने तक इस तरह की डीलिंग है। अगर बीच में कोई आया तो उसके घर पर फीलिंग है। ये है शिवाशंकर, ये 6 फुट का इंसान त्रिवल्लुवर पर विश्वास करने वाला है। कविता लिए कंपनी ने जो फिल्म बनाई है उस फिल्म को बाकी सब लोग बैठकर देखेंगे और उस फिल्म के खत्म होने तक खड़े होकर प्रणाम करके उस फिल्म को देखेगा, क्योंकि फिल्म शुरू होने से पहले त्रिवल्लुवर साथ आएंगे ना। त्रिवल्लुवर तो बहुत बड़े बाबा है, वो जीवन के लिए अच्छे विचार देकर एक नेक राह पर ले जाने वाले बड़े आदमी है। प्यार और इंसाफ जिसके पास है वो अपने आप भगवान का दर्जा ले लेते हैं। सुन सेल्वी, बेकार में वक्त बर्बाद मत करो, हम मंदिर जा रहे हैं। पहले आपकी बहू को तैयार होने के लिए कहो माँ। मैडम तो अभी भी खुद को फिल्म की हीरोइन समझ रही है, अब उनकी तरह मुझे भी रेडी नहीं होना क्या? भाभी, हम सब तैयार हैं, सिर्फ तुम्हारी ही पेंटिंग खत्म नहीं हुई है। तुम इसके बिना भी बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं जानती हूँ भाभी, आजकल लड़के मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखते हैं। पहले जब सड़क पर चलती थी तो कम से कम 4-5 बार पलट कर देखते थे, और अब मैं तो काउंटिंग भी नहीं कर सकती, वो सब मेंटेन करना पड़ेगा ना। ये हुई ना बात। लक्ष्मी, अच्छा जल्दी करो। लक्ष्मी, आती हूँ। ये कॉफी ले जाकर अपने पिताजी को दे दो। तुम्हारा पति तैयार हो गया ना? तैयार हो गए। ठीक है पिताजी, कॉफी। अरविंद कहाँ है बेटी? वो तैयार हो रहे हैं पिताजी, उसे आने के लिए कहो। सुनिए पिताजी। क्यों बेटा, कल मुंबई से जो माल आया था उसे तुमने पूरा चेक कर लिया था ना? पिताजी वो तो भरत भी जानते हैं। हमारे होटल के डिलीवरी के लिए जो वैन ऑर्डर किए थे उसका क्या हुआ? ये भी भरत जानता है। केरला में जो डिजाइन हमने दिया था उसका बैलेंस भर दिया क्या? ये भी भरत जानता है। ठीक है, तुम जाकर गाड़ी निकालो। ठीक है पिताजी। भरत कहाँ है? अभी तक वो नहीं आया है, देखिए ना। जबकि कल ही मैंने उसे बताया था कि हमें मंदिर जाना है। मेरे फ्रेंड्स ने भी बताया था, पर भाई आजकल गांव बहुत घूमता है। हाँ पिताजी, मैंने भी उनसे जो बात हम सुनते हैं वो किसके मुंह से सुनते हैं उसके बारे में सोच कर देखना उचित होगा। दादाजी। क्या बात है बेटी? मैं एक पंक्ति बोलूं क्या दादाजी? अब बोलो ना बेटी। बिना पानी के दुनिया नहीं बन सकती और आसमान के बिना जिंदगी हाँ। नहीं चल सकती, चाहे तुम कितना भी सीख हाँ। लो, सीखने के बाद और कुछ सीखने के लिए मन बना लो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा बोलती हो तुम। हाँ? ये लो रख लो। नहीं चाहिए दादाजी। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं, तुमने जो बोला ना उसके लिए। ये लो पकड़ो, रख लो और अच्छी पंक्तियाँ पढ़ो। शुक्रिया दादाजी। हाँ ठीक है जाओ। साहब नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते साहब, मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है, मैं नया एसपी हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग चलो मैं आता हूँ। हाँ, साहब आपने मेरे ट्रांसफर के लिए जो मदद की उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं कुछ समझा नहीं। गणपति टीचर जो है। अच्छा तो वो तुम ही हो। हाँ साहब, मुझे तो आप जानते भी नहीं है, फिर भी आपने मेरी मदद की। हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे बारे में उन्होंने अच्छा कहा था, और अच्छे लोगों की जरूरत सबको है। तुम लोग जहाँ भी जाओगे अच्छे काम ही करोगे। वैसे सच कहूँ तो तुम जैसे लोगों की हिफाजत करना ही हम जैसे लोगों का फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो फिर मैं चलूँ? ठीक है साहब, चलता हूँ साहब। ठीक है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम भास्कराय। लाइए, क्षमा कीजिए, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। भगवान हर भाषा जानता है, पूजा करने वाले को जो भाषा मालूम है उसी भाषा में अर्चना करेगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ का बड़प्पन है, किसके नाम पे पूजा करनी है? भरत, रोगिणी नक्षत्र, वृषभ राशि।
ये है भरत। खुद को अच्छा इंसान साबित करने के लिए एक्टिंग करके आधा अच्छा इंसान बन गया है। ये शिव शंकर का बेटा है। पिताजी को इंसान और इंसाफ के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन यह इंसान सिर्फ अमला पाल को जानता है। भैया क्या हुआ? आगे से उस मुंबई की पार्टी से साड़ी मत खरीदना। तो फिर दाम? दाम तो कम है लेकिन क्वालिटी भी कम है ना, धागा पूरा निकल रहा है, वहाँ से मत खरीदना। ठीक है भाई। और हाँ, त्योहारों का महीना आने वाला है, हमें डिस्काउंट देना होगा, कई तरह की वैरायटीज परचेज करनी होगी और साथ ही उन सभी का डिफरेंट डिफरेंट नाम भी रखना होगा भैया। हाँ। जैसे कि नमिता नाइटी, मैं नाम मणि सर, तमन्ना घाघरा। अगर हम इस तरह के नए नए नाम रखेंगे ना तो पब्लिक आकर्षित होगी और हमारा बिजनेस भी डेवलप होगा। गए साल के कलेक्शन से इस साल का कलेक्शन टॉप पे होना चाहिए। ₹1000 से ऊपर जो परचेस करे उसे हमें गिफ्ट देना चाहिए। क्या हुआ भैया, आपका चेहरा क्यों उतरा है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अरे बताइए ना भैया। अरे वो कुछ नहीं भारत, कल इनकी लड़की को जो देखने आए थे ना, बारात का खर्चा और ज्वेलरी का खर्चा आपस में बांटने की बात हुई है, तभी अचानक उनका फोन आ गया और 3 तोला सोना और लड़के को बाइक देने की बात कह रहे हैं वो। क्यों, सही कह रहा हो ना? आप चिंता मत करिए, पिताजी को बोलिए। पिताजी बहुत कर चुके हैं। अरे आप बिंदास डेट फिक्स करिए, जिस काम को जैसे करना है उसे ढूंढ के उसे वो सौंप दीजिए, सारा काम हो जाएगा। और भैया मैं भी तो हूँ ना। कल हमारा कंपटीशन है ना मैम, उसके तो लिए जरा रिहर्सल। इसका मतलब बाकी लोग नहीं सोएंगे? मैम उनकी अपनी मर्जी है मैम। क्या कहा? मैम पक्का फर्स्ट प्राइज तो तुझे ही मिलेगी। आपकी कही बात सच हो जाए मैडम। जरूर। मैं भी एक जमाने में तेरी जैसी स्टूडेंट थी। एंजॉय। थैंक यू। इसका नाम गायत्री है, प्यार से इसे गायो बुलाते हैं। बीकॉम फाइनल ईयर में है, क्या पढ़ती है कुछ पता नहीं। इसकी सुंदरता ठीक है, ऐसा लग रहा है क्या? इसके फ्रेंड्स को देखो, तब आप इसकी रियल ब्यूटी के बारे में जान पाएंगे। हे पप्पी, पापा घर पे नहीं है क्या? बहुत खुश है तू, ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी घर पे होते हैं तो तू बच्चों की तरह रहता है, और नहीं होते हैं तो तू बहुत चैतानियां करता है। हाँ मैं जानता हूँ, एक्टिंग कमाल की करता है। और हाँ, हमेशा ऐसे ही रहना, कुछ भी हो है तो तू जानवर ही ना। माँ माँ माँ, भाई आ रहा है, पिताजी आने वाले हैं, ये मत बताना, किसी तरह उसे फंसा देंगे हम, काम मत बिगाड़ना। ठीक है ना माँ? आप ही ना। किसे फंसाने की बात हो रही है सेल्वी जी? भाई वो मेरी पायल है ना, वो सही नहीं है, है ना? जब देखो तब तुम काला सूट पहन लेती हो, चेन पहन लेती हो और सोना पहन लेती हो। कभी कोई अच्छा सा समय देख के फांसी पहन लो ना। क्यों इस तरह की अपशकुन बात अपनी बहन के लिए बोल रहा है बेवकूफ? इसकी अब शादी होने वाली है, तुझे अकल नहीं आई क्या? इसके लिए लड़का ढूंढ ढूंढ के मेरे पिताजी 2 फुट कम हो चुके हैं। वैसे माँ पिताजी कहाँ हैं? तेरे पिताजी? पिताजी तिरुना मले गए हैं, कल सुबह ही आएंगे, है ना माँ? हाँ बेटा, वो शिवन मले गए। नहीं नहीं, शिव जी का मंदिर तिरुना मले में है ना, इसलिए माँ कंफ्यूज हो गई, है ना माँ? हाँ सही है। क्या बात है भाई, पिताजी घर पर ना रहे तो अजीब हरकतें करते हो, पिताजी घर पर रहे तो अच्छे लड़के बन जाते हो, घर छोड़कर जाए तो रेमो बन जाते हो। सिंगल आदमी डबल एक्शन करता है, ये सब कैसे होता है? तुम बिल्कुल अपरिचित हो। आजकल तू मुझे फॉलो करने लग गई है, आगे देख तेरे लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। तुम्हारे लिए मुश्किल की बात। क्यों बेटा? क्यों बेकार में तुम डर रही हो? इस घर में बराबर का हिस्सा है तुम्हारा, अगर तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं चुप रहूंगा क्या? माँ भले ही तुमने 2 नालायकों को पैदा किया, लेकिन उनमें से एक शेर पैदा हुआ। मेरा राजा बेटा। अरे मैं तो बस ऐसे ही राइमिंग कर रहा था सेल्वी। देखो ये सिर्फ यहाँ पर इधर उधर भटकते रहते हैं, अरे यार क्या किया जाए। अच्छा सुनो, तुम मंदिर की लाइन में खड़े होके गाली सुने बिना नहीं निकल सकते क्या? चलो ठीक है, मैं सिर्फ 4 पंक्तियाँ जानता हूँ, उसे लेकर मैं इतने सालों से एस्केप हो रहा हूँ, और वैसे भी चीटिंग करना तो एक मामूली सी बात है। मैं यहाँ तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ और तुम बिना नोट्स लिए जा रही हो। हाँ तुम इतना कुछ मैनेज करती हो, लेकिन सब कुछ कुछ समय में डैमेज हो जाता है। परेशान मत हो, ये तुमसे ना हो पाएगा। पप्पी तू अंदर क्यों आ गया? ये अभी तक क्यों नहीं आया? जरा मुझे देना, तू देना, अरे देना। अच्छी पत्नी है, अच्छा पति है, सारा परिवार हरा भरा है, लेकिन सब कुछ ढोंग है।
मेरी बात सुनो, उन्हें देखने के बाद सब लोगों को नाटक करना है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी बात हो जाए, बस इस भरत को फॉलो करना है सबको। ओके ओके। पिताजी के बारे में बुरा भला कहो ना। क्या गाली देना है? अरे वो हमारे पिताजी हैं सेल्वी, हमें उन्होंने पैदा किया है। वो हमारे भगवान हैं। तकलीफ उठा के पाले वो पिताजी नहीं, भगवान है। ये क्या बोल रहा है? बचपन में जो उन्होंने हमारे लिए तकलीफ उठाई है वो सोच के मुझे बहुत दुख होता है। आज भी वो मेहनत कर रहे हैं, हमें पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे महान इंसान को कभी गाली नहीं दे सकता मैं, ये पाप मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। सुनो भैया, पिताजी आने वाले हैं इसलिए ऐसा कह रहे हो ना? पागल हो गई है क्या? मुझे तेरी शादी करना है, बस मैं यही जानता हूँ और यही मेरा लक्ष्य है और यही हमारे पिताजी की ख्वाहिश भी है। तू हमारी इकलौती बहन है सेल्वी। पिताजी का नाम रोशन कर रहा है आज ये भरत, तुम लोग के सामने कसम खाता है। अच्छा माँ, लेखकों ने बहुत सारी कविताएं भी लिखी है ना, कि पिता जगत में सबसे प्यारा, सबसे हमारे लिए हमारा पिता ही हमारा भगवान होता है। पिताजी, मेरे दिल में जो है मैंने बोल दिया, कुछ गलत बोला हो तो माफ कर दीजिएगा। देखा तुमने मेरे भरत को, इस छोटी सी उम्र में इसे कितना अनुभव है, परिवार की जिम्मेदारी समझता है। हाँ जी, सीखो तुम लोग, तुम लोग भी इसे देख कर सीख लो। हाँ ए, एक दिन तू कामयाब होगा। दीजिए पिताजी। हाँ हाँ, बिल्कुल मेरी तरह बनेगा। तुम अपने भाई की बात माना करो। हाँ। ए, वासुकी, जाओ 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 जाओ। कैसा लग रहा है? तुमने प्लान बनाया था ना मेरे लिए? गड्ढा खोदा और खुद गड्ढे में गिर गई बेचारी सेल्वी। पप्पी, मेरा पप्पी। हाँ, अरे आगे कहाँ गए? चलो पीछे पीछे, चलो चलो पीछे जाओ। हाँ, सिग्नल पर खड़े होकर लाइन मार रहे हो? हाँ। पर कान्हा है? हाँ बोल करो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। अरे बोलना यार। अरे चेक को साइन करके टेबल पर रख देना यार, और फोन करके बोल कि इवनिंग में आके लेके जाए। हाँ हाँ फोन कर देना यार। जाते वक्त भी इस तरह से धक्का देते हो क्या? बात नहीं है। अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आओ आकर मदद करो। आओ भाई हमारी मदद करो प्लीज। पकड़ो पकड़ो, आराम से निकालो भाई। तो तार भी टूट चुकी है, अब क्या होगा? मेरा कॉम्पिटिशन। सॉरी क्या? सॉरी सॉरी,
10 बजे कॉम्पिटिशन है, अभी 9:30 हो गए हैं, सब तुम्हारी वजह से। अब मैं क्या करूंगी? चुप रहिए, चुप रहिए, मैं देखता हूं, रुक जाइए, मैं देखता हूं, देखता हूं। कैसे कैसे लोग हैं पता नहीं, चलो चलो चलो। क्या कर रहे हो? टाइम हो रहा है, जल्दी करो ना। ठीक कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं। क्या देख रहे हो? अरे मुझे देर हो रही है, जल्दी करो ना प्लीज। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर रहा है ये? अरे जल्दी करो। रिपेयर छाता, रिपेयर, रिपेयर छाता, रिपेयर। ए जा यहां से। वीणा रिपेयर सर? हा? वीणा रिपेयर करवाने क्या? ए छाता का इससे क्या संबंध, चल जाना यहां से। अरे छाता में भी तार है, वीणा में भी तार है, क्यों मैं रिपेयर नहीं कर सकता हूं क्या? मैं कर रहा हूं। हां पर जल्दी करो, बस की वायर है, मैं कर देता हूं। करिए, मैं भी देखता हूं कैसे करते हैं। क्यों भाई, वीणा को ठीक कर दोगे क्या? मुझे लेट हो रहा है। मामा जी आप जाइए, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, संभाल के जाकर आना। मैं अपनी बाइक से ड्रॉप कर दूंगा, पहले इसे ठीक करो। अरे हेलो, जल्दी करो ना प्लीज। हो गया, वाह, अब देखो जरा एक बार। अरे रे रे। सुपर यार, वीणा से गिटार का साउंड बज रहा है। क्या कर दिया तुमने? अरे रुकिए रुकिए, मैं ठीक करता हूँ ना, ठीक कर रहा हूँ। अब क्या करूंगी मैं, कहीं काम से। तुझे अपनी आंखों में बसा लूं, तुझे अपनी जान में बना लूं। सर वैसे ही एक वायलिन बीट बजाइए ना। क्यों मैडम? हे भगवान, अब क्या होगा? नमस्ते सर, मैनेजर मनी ने भेजा है, सुना है आपको ड्राइवर चाहिए। कहाँ से आए हो? नोची कूपन से। इससे पहले कहाँ काम करते थे? आइस हाउस में सनमुगम जी के पास काम करता था सर। तो वहाँ का काम क्यों छोड़ा, कोई परेशानी थी क्या? अरे नहीं नहीं सर, वो तो बहुत अच्छे इंसान है सर, मछली का फार्म है उनका, एक्सपोर्ट कंपनी है, उसमें लॉस हो गया उनको, 8 साल से उनके पास ही काम कर रहा था। मेरे बारे में अगर कुछ जानना है तो उन्हीं से बात कर लीजिए, फोन नंबर दूं क्या आपको? 983। अच्छा त्रिकुरल जानते हो? कुरल की कोई पंक्ति सुना। सर ये सब तो सर मुझे ये सब नहीं आता है सर। सर मैंने पढ़ाई नहीं की है सर, लेकिन आप सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगा सर। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो रोज एक पंक्ति बोलने के बाद गाड़ी स्टार्ट करना, अगर तुम्हें मंजूर है तो कल से आ जाना। ठीक है सर, थैंक्स सर। अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? करण है सर, तो मैं चलता हूँ सर। ठीक है माँ जी, चलता हूँ। सुनिए जी, वो कौन है क्या है हम कुछ नहीं जानते, आपने तुरंत उसे काम पे आने के लिए क्यों बोल दिया? अरे उसके पास विश्वास, मान अभिमान और दूसरे पर कभी बोझ नहीं बनकर रहने का ऐसे अच्छे ख्यालात हैं, और इन सब से ज्यादा वो एक मामूली इंसान लग रहा था। इंसान को देखकर ही पता चल जाता है कि असल में उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। अरे बाप रे, ये कैसी लड़की है, मैंने इसकी एक वीणा क्या तोड़ दी, ये तो यहां तक चली है वसूलने के लिए। अरे बाप रे, नमस्ते। हाँ हाँ ठीक है, नमस्ते। अरे बाप रे, देख लिया, तुम वही हो ना जिसने उस दिन वीणा का तार। अरे बाप रे, इतना गुस्सा क्यों हो रही है मुझ पे? आपको भी पता है उस दिन क्या हुआ था, मैं भी एक इंसान ही हूँ, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? अब जितना मुझसे हुआ मैंने कर दिया, अब वो नहीं ठीक हुआ तो मैं क्या करूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा अरे मतलब... छोड़िए ना, कहते हैं कि जब बारिश ना हो रही हो तो गधा और गधी की शादी करवा देनी चाहिए तो बारिश होने लग जाती है। मैं भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा था, शादी के लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली थी, मंगलसूत्र खरीद लिया था, बस शादी होने ही वाली थी। फिर पता है क्या हो गया, एक गधा भाग गया, शादी जरूरी थी तो मैं गधे का पीछा करते हुए उसके क्या गधे को? गधे को मामूली मत समझिएगा, मैं बिना पूछे उससे उसकी शादी करवा रहा था, इसलिए वो मुझे कंटिन्यू फोन करके टॉर्चर किए जा रहा है। मैडम, हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे बख्श दो, ऐसा मैं रोड पे चिल्ला रहा था मैडम। तभी मैंने पलट के देखा, एक खूबसूरत सी अप्सरा एकदम परी की तरह, इससे मैं डिस्टर्ब हो गया मैडम। नहीं मैं एक्चुअली आपके पास। अच्छा हाँ,
उस दिन आपकी वीणा मेरी वजह से टूट गई थी ना, उसे तो मैंने उसी दिन ठीक कर दिया था। थैंक्स। किस बात के लिए? आपको, गधे को, शादी को और साथ ही इस सेलफोन को और उस दिन के स्वीट एक्सीडेंट को। थैंक्स। मैंने उस दिन फर्स्ट प्राइज जीता था। उस दिन मुझे फर्स्ट प्राइज मिला सिर्फ आपकी वजह से। सब लोग खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। It was a great moment of my life. ओह, अच्छी वीणा बजाने के लिए? No, वीणा में गिटार बजाने की वजह से। कवि? हाँ, कविता, क्या बात है? मैंने बताया था ना, गिटार के इन्वेंटर यही है। ओ, इसने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। कविता थर्ड ईयर कर रही है। आई ऑल्सो मेक एड फिल्म्स। अरे बाप रे, वीणा, कचहरी, विजकॉम, एड फिल्म, आप तो कमाल कर रही है। एक्सीडेंट मीटिंग तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन इंस्टेंट मीटिंग और भी खूबसूरत है। आप हमेशा ऐसे ही मिलती रहे, मैं बस यही प्रार्थना करूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। एक्सक्यूज मी, आप अपना नाम तो बता दीजिए। गायत्री। भरत। अगर बुआ की शॉपिंग हो गई तो चलिए। बुआ जी, जल्दी आइए। हाँ, हम आ रहे हैं। बाय गायू। तुझे अलग नजर से देख रहा था। वेटर आ गया, ऑर्डर दे दे। बोलिए मैडम। दो पूरी, दो प्लेन डोसा। ओके। एक कॉफी। और तुम क्या लोगी? दो इडली भी साथ। ओके मैडम, कुछ और चाहिए? नहीं नहीं, थैंक यू मैडम। क्या मामी, इतना लेट हो रहा है, अब तक नहीं आया, देर हो जाएगी। पता था इतनी देर होगी तो बाहर ही कुछ खा क्या ना। हेलो हेलो मैडम। हेलो हेलो, ऑर्डर दिए हुए कितना टाइम हो गया है, सब कुछ एक ही टेबल पर ले जा रहे हो, हमें भूख नहीं लगी है क्या? बस 5 मिनट मैडम, पहले सर को देख आता हूँ, आप शांत रहिए। क्या हो रहा है ये? हेलो, क्यों नहीं चिल्लाऊं मैं? कोई एक तो हमारे टेबल पर सर्व कर सकते हो ना, क्या चल। सॉरी, माफ कर दीजिए। किसी भी रेस्टोरेंट में सबसे पहले कोई भी चीज टेस्ट की जाती है, फिर उसके बाद कस्टमर को दी जाती है। यही मेरे पिताजी का ऑर्डर है। आपके पिताजी यहाँ पर कुक हैं क्या? कुक? अरे इस पूरे रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो। मिस्टर शिव शंकर आपके पिताजी हैं? हाँ। आप इससे भसाती हूँ मैं। पार्टी ऑर्डर के लिए केटरिंग सर्विस करते हैं क्या? हाँ, हम लोग बहुत करते हैं। तो फिर हमारे कॉलेज फंक्शन में आप लोग करेंगे क्या? हर महीने मिनिमम 3 फंक्शंस होते हैं हमारे यहाँ। जरूर, ये बताइए ऑर्डर के लिए किससे मिलना पड़ेगा, मैं अपने मैनेजर को भेज देता हूँ। नो 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 नो, ऑर्डर मैं लेकर दूंगी, बस कमीशन मेरे हाथ में दे देना। ऑफ कोर्स, ये हुई ना प्रॉपर डील। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सॉरी, हाँ आप लोग आराम से खाइए, कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है? खाइए। ए सबन सर, ये लोग जो भी मांगे उन्हें दे दे। ओके सर, अच्छे से ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। लीजिए मैडम, पुराने सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दो, अब नया ऑर्डर देती हूँ। बताओ क्या? मेरे लिए वड़ा, मेदू वड़ा, एक उत्तपम, रवा डोसा। ओके ठीक है मैडम। लास्ट में दो गुलाब जामुन और दो मैंगो जूस, बस इतना ही। थैंक यू मैडम। थैंक यू। ए, ये क्या, पैसे ज्यादा है क्या? बिल बहुत आएगा। अरे वो कमीशन में काट देंगे ना, जब लड़की को हंसते देखकर सर ने अपनी बत्तीसी दिखाई थी तो इस बात का फायदा तो उठाना चाहिए ना। उसे तो मैंने साड़ी के सेक्शन में देखा था। मैंगो जूस अभी लाता हूँ, लीजिए मैडम। मैंने अपनी परी को देख लिया। ऐसा क्या, कौन है वो? वो उस लड़की के बगल में बैठी है ना, वो वही खूबसूरत लड़की, वही है। ए, मजाक कर रहा है? अरे नहीं यार, मेरी जिंदगी की रोशनी वही है, कैसे भी करके तुम्हें हेल्प करना होगा। चिंता मत कर तू, मैं अभी बात करके आ रहा हूँ। तू जिस लड़की की बात कर रहे है ना, उसका नाम है कविता, और जो उसके बगल में बैठी है उसका नाम है गायत्री। गायत्री को पटाने के लिए मुझे बस 10 मिनट लगा था। ए, मुझे भी कुछ टिप्स दो ना। ए, पूरे जहाज को तूने बाथरूम में पलट दिया है, क्यों इतना टेंशन ले रहा है? तुझसे नहीं हो पाएगा, जाने भी देना यार, तेरा रूट क्लियर है, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे रूट में टांग मत अड़ाना तू, उस रूट का राही मैं ही हूँ, मेरा प्यारा दोस्त। मैंने अपने बारे में बताया और ये खुद के बारे में सोच रहा है। अच्छा खाना कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा है ना? सुपर, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। अरे बाप रे, 1800 रुपए, लगता है ये सब कुछ मेरे ही सर पे डाल देगी। ये जो बुद्धू यहाँ खड़ा है, लगता है ये बिल पे कर देगा। अरे बाप रे, इतना कुछ खा गई। अरे हेलो। हाँ भाई बोलिए। हाँ ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ, कोई बात नहीं।
अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं खाली हूँ, एक मिनट में आता हूँ। हाँ आ रहा हूँ, बस बस अभी निकल रहा हूँ। हाँ रास्ते में ही हूँ। गुस्से में है क्या? क्या कर सकते हैं, तू उसे फंसाना चाहती थी पर वो तो तुझे ही फंसा कर चला गया। तेरे पर्स से सारा पैसा निकाल दिया उसने, बहुत होशियार है वो। लेकिन एक बात तो है, उसका रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो धोखा खाने वाला है। मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा वो, पर चाहे कुछ भी बोल, उसकी रेस्टोरेंट की सारी डिशेस बहुत ही टेस्टी थी। मुझे छेड़ रही है क्या? हुँ? क्या हुआ, तुम मेरी फ्रेंड है या उसकी उसकी साइड क्यों ले रही है? बस देखती जा कि कल मैं उसका क्या हश्र करती हूँ। अबे रख, अबे ओ लड्डू, बुलाऊंगा तो ही आएगा क्या? क्या भाई, आप नहीं जानते हैं क्या, सेठ के मामले में एनकाउंटर बोल के मुझे डरा दिया था, इसलिए उड़ीसा जाने तक का काम आ गया, कल ही आया था। मेरे लड़के ने बताया, मामला क्या है भाई? उसे नहीं छोड़ने का। कौन है वो? अरे वो वल्लूर मंडप का शिवशंकर है। मेरे पिताजी की जब साथ दुकान थी तब इसी गांव में वो साइकिल का धंधा किया करता था, और आज इसी सिटी में वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। थू, दिल जल रहा है, नफरत होती है उससे। भाई ये भी कोई बड़ा मैटर है क्या? इसके लिए सही आदमी अपना राय पूरण धना ही है, उसे बताएंगे तो मैटर को खत्म कर देगा। आप टेंशन मत लीजिए, एंजॉय कीजिए। ये सब मेरी बदकिस्मत। अरे अच्छी थैली दो ना। अच्छा थैला, ऐसा क्या लिया था? रुमाल लिया था। बेडशीट लेने वाले को चुपचाप भेज देता हूँ, रुमाल के लिए अच्छा थैला चाहिए। मुंह पोछ और जाए यहाँ से। नमस्ते भाई। और क्या बात है भाई, सब कुछ अच्छे से हो गया? अच्छे से हो गया। अगले सावन में शादी रखी है, आप सबको शादी में आना होगा। हाँ, पिताजी हैं तो चिंता किस बात की, सब कुछ संभालने के लिए बोले। अरे क्या बात है, हमारे घर की शादी है, धूमधाम से करेंगे हम लोग, आ जाओ भाई। हेलो हेलो मिस्टर भरत। हाँ हाँ बोल रहा हूँ, मैं गायत्री बोल रही हूँ। गायत्री? अरे उस दिन दुकान पे आए थे वही दोनों। हाँ ओ गायत्री, हाँ बोलो, कैसी हो तुम? हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं आपसे एक बार मिलना चाह रही। आ जाइए मेरी दुकान पे, आ जाइए। मैं भी दुकान पर ही हूँ। मेरी दुकान पे? हमारे दुकान में? कहाँ? अरे कहाँ है, कहाँ दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है आप? उस दिन जब आप मुझे देखकर भाग रहे थे ना, मैं वहीं खड़ी हूँ। ओह वहाँ है क्या, रुकिए मैं आता हूँ, चला जा। हाय हाय। हेलो, आप कविता? कविता हाय हाय, काना? हाँ ये है मिस्टर काना। नमस्ते, बताइए ना क्या बात है। मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, उस प्रोजेक्ट को मैं जरा डिफरेंट तरीके से करने की सोच रही हूँ, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। वैसे आपके तो टेक्सटाइल, ज्वेलरी, होटल्स, इस तरह के बहुत से बिजनेसेस हैं, वो भी एक ही जगह में, एक ही कॉम्प्लेक्स में है, इसलिए जो भी लोग यहाँ परचेसिंग करने आते हैं उनके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आप ही को लेकर एक एड फिल्म बनाऊं। पूजा की अगरबत्ती से लेकर शाम को मच्छर भगाने की अगरबत्ती तक सारा सामान आपको मिलेगा एक ही जगह पर। वल्लुवर मंडप, वल्लुवर मंडप, वल्लुवर मंडप। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपका एक इंटरव्यू भी ले सकती हूँ, कैसा लगा मेरा आइडिया? इतने दिनों तक ये मेरे ख्याल में क्यों नहीं आया? नो, जो काम जिस वक्त में होना है वही वक्त पर होता है, ये सब तो ऊपर वाला डिसाइड करता है, ये हमारे हाथ में थोड़ी है। हम अपने दुकान की एडवर्टाइज खुद क्यों करें? आप ही करिए ना। हेलो, अपने बारे में खुद बताने से गलत होता है, पर बिजनेस का प्रचार करना गलत बात नहीं है। क्या कहा? अगर पसंद आया तो बिल्कुल गलत नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो, तेरे बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं। निकल यहाँ से। आए कभी, मैं उस तरफ जाता हूँ। और फिर आप इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान रखते हैं, अगर इसका ऐड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग शॉपिंग करने आएंगे। एक बार सोचिए ना सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, एक बार सोचिए। शूटिंग कब से करेंगी? थैंक यू सर, सुपर सर, सुपर। अब स्क्रिप्ट के साथ आपसे मिलती हूँ सर। ओके सर, सुपर सर, थैंक यू सर, बाय। वो कविता। कविता, कविता, ये है काना, इसके बारे में भी जरा सोचना। हाँ ओके, ये सब मुझसे नहीं होगा। अब तो तू खुश है ना, तेरे मैटर को मैं अपने तरीके से डील कर रहा हूँ, तेरी भी कुछ वैल्यू है यार, वैसे भी तेरी बात पूरी बन चुकी है, समझ गया ना? ऐसा क्या? तो तुम्हारा मैटर
कुछ बातें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आ रही। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं है, सीरियसली हम लोग साड़ी से स्टार्ट करेंगे। पूजा की अगरबत्ती से लेकर शाम को मच्छर भगाने की अगरबत्ती तक सारा सामान खरीदने की एक ही जगह है, वल्लवर मंडप, वल्लवर मंडप, वल्लवर मंडप। बेटी कैसा लग रहा है? अच्छा है पिताजी। और तुम्हें? मुझे भी बहुत पसंद आई। बेटा पापा बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू पापा। हाँ कौन है वो लड़की? गायत्री, बीकॉम की स्टूडेंट है। हाँ हाँ बहुत अच्छा है ना। अब आगे का पूरा प्रचार हम उसी के जरिए करें। ठीक है पापा। मैं 30 साल से धंधा कर रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी मुझे जानते हैं, बाद में पैसा दोगे तो भी क्वालिटी वही रहेगी। अरे थोड़ा सा पैसा लेकर मैं क्रिकेट टीम थोड़ी चलाने वाला हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, रोज हम 30-40 बोरियाँ आपकी दुकान से खरीद रहे हैं, अगर आप 2-3 रुपए कम कर देंगे तो हमें 2-3 हजार रुपए मुनाफा मिल जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा और हमारा भी भला हो जाएगा। मैं हमेशा न्याय की बात करता हूँ, अगर आपका दिल करे तो 100-200 रुपए बढ़ा सकते हैं आप, हम भी तो मेहनत ही कर रहे हैं ना। बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? 25 साल है। उम्र पे मत जाइए, काम में दम होना चाहिए। बरोबर है ना भाई जी, बोरियों के हिसाब से बिल भेजिएगा और मैंने जो बोला वो भूलिएगा नहीं। अच्छा चलता हूँ। हाँ ठीक है। गोनी के ऊपर 2 रुपए कम करने के लिए बहुत तंग कर रहा था, जिस बच्चे को जानता भी नहीं है उस बच्चे के पीछे 2 रुपए खर्च कर देता है, बहुत अच्छा इंसान है वो। ऐसे दूसरे के पेट में मारकर लव मत कीजिए। सॉरी। हेलो आ गए क्या? बहुत ट्रैफिक है, ऐसा लग रहा है जैसे शहर के सारे लोग सड़क पे आ गए हो, बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं कैसे भी करके पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। खड़े होने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, किसी तरह से मैं अपनी बाइक साइड में लगा के तुम्हारा फोन उठा के तुमसे बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, जैसे इतनी देर वेट की वैसे थोड़ी देर और कर लो, मैं वहाँ पर फटाफट पहुँच रहा हूँ। अरे भगवान। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं सर, दूसरे को दबाकर ही ऊपर जाना पड़ता है। चल कोई बात नहीं, मैं दरअसल अभी फोन पे बात कर रहा हूँ। वो लड़की वहाँ पर बैठी है ना सर, सीधे जाकर उससे बात क्यों नहीं कर लेते, क्यों बेकार में फोन में बात करते हैं? ये कैसा गांव है, इस गांव में लोग ये किस तरह का लव करते हैं। ये सोशल सर्विस है रे। ऐसी बात है। हा? अब मैं जाऊँ क्या? हेलो, क्या सोशल सर्विस? और नहीं तो क्या, आजकल सब कुछ इसी पे तो डिपेंड है ना, हमारा प्यार भी तो कुछ ऐसा ही है ना गायो। हम प्यार करते हैं ऐसा किसने कहा? अरे पूरा शहर जानता है, ये शहर के बच्चे बच्चे को इस बात की खबर है, तुम्हें नहीं पता हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद हम बच्चे पैदा करेंगे। क्या बच्चे? और जब बच्चे पैदा होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। और वैसे भी मेरे बच्चे ना मेरी और तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट होंगे, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। हाँ लॉजिक करेक्ट दिया ना मैंने गायो। एक मिनट, वहां आती हूँ। थैंक यू सर। कमीने। क्या है? बस ऐसे ही। किस लिए? लव डेवलपमेंट के लिए। चल तुम मेरा ख्याल रखोगे ना? भरोसा है ना तुम्हें? बहुत। अच्छे से ख्याल रखूंगा। ओके तो फिर इस देश को मजबूत बनाने वाले बच्चों को मैं पैदा करने के लिए तैयार हूँ। Mm.
ये मौसम है सुहाना, रुत है मस्तानी, दिल में उठा तूफान। लगता है बहुत खुश है। अबे काना, बोल ना तुझे क्या चाहिए। अरे बाप रे, बस यूं ही। अच्छा ये ले, ये चश्मा पहन ले, ले पहन ले। अरे मैं पहन के अंधा दिखूंगा यार। एकदम हीरो हीरो के जैसा लगेगा तू। हाँ ये हुई ना बात। अरे तुम्हारी खुशी देखकर ऐसा लगता है ना कि पक्का किसी लड़की वड़की का मामला है, है? तो आज पार्टी तय है ना? नहीं है क्या? है ना? उसी को बार कहते हैं। ये ले कैच कर। ए, ए। ये क्या कोल्ड ड्रिंक जैसा दिख रहा है? इसमें 50-50 वो है और 50-50 ये है। पीकर तो कुछ हुआ ही नहीं, बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? पीले पीले अभी मजा आएगा तुझे। हैं? टेंशन मत ले, आराम से चढ़ेगी। छुप के हमला करती है ये। बहुत प्यारे हो तुम। पीले पीले पीले। ये ले। हैं? चखना। दारू के साथ चखना के तौर पर चॉकलेट देने वाला तू पहला इंसान है। एक बात बता, तू मेरे को छोटा सा बच्चा समझ रहा है क्या? तुझे पता है मेरा दिल वाकई बच्चे जैसा है। अगर तू ये चाहता है कि हमारी खुशी लंबे समय तक चले, तो फिर हमें अलग लेवल पे पहुंचना होगा। कौन से होटल की बात कर रहा है? चल काना, इस शहर में बहुत सारी लड़कियां हैं और मैंने एक लड़की पसंद कर ली है और मैं चाहता हूँ कि वही मेरी बीवी बने। ये सच है ना? ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, लेकिन वो मुझे भी तो पसंद करे। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा वो भी सोचे। एटलीस्ट मैं उसे पसंद हूँ ऐसा बर्ताव तो करे। जरूर। इसीलिए मैंने एक आइडिया सोचा है। अभी उस लड़की की जबान से अपने प्यार के बारे में सुनना है, तब जाके मुझे कंफर्मेशन मिलेगी। बात तो सुनना यार। सुन, मैंने इन सब के लिए एक आइडिया सोचा है। क्यों ना मैं उसके घर पे जाके इस बारे में बात करके उससे इस बारे में पूछूं। अगर उसने मना कर दिया तो मार तू खा लेना यार। मैं? और नहीं तो क्या, तू मेरा दोस्त है ना, दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है। अबे लकी है यार तू। अच्छा, कौन सा फिल्म में चांस देने वाला है? ये ले पकड़। अरे ये क्या बोल रहा है यार। अरे मुझसे नहीं होगा भाई, वो लड़की कौन है क्या है मैं नहीं जानता उसे। तेरे पिताजी इन बातों पे ध्यान रखते हैं। अच्छा वो लड़की लेफ्ट की है या राइट की है? चुप रह नालायक कहीं का। तू नालायक है। ये प्यार की बात है। फर्स्ट मीटिंग में जब मैंने उसे देखा था ना, तो मैं समझ गया था कि वो मेरे दिल की रानी है। तो भला मैं किसी और लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? बात मान जाना यार, प्लीज यार। चुप रहना यार, तू अपने दोस्त को इतनी टेंशन क्यों दे रहा है? याद है क्या, जब मैं चौथी क्लास में था तो तुम्हारे पिताजी ने कविता सुनाने के लिए कहा था। मैंने कहा याद नहीं है, तो मेरे सर पे जोर से मारा था उन्होंने। उसके बाद वो दर्द 10वीं फेल होने तक था मुझे। उसका निशान अभी तक है, ये देखना यहाँ पे। अबे टकले, ये वही निशान है। उन्हें दुकान पर देख कर मैं हमेशा खड़ा हो जाता हूँ, और तू बोल रहे मैं उनके पास जाकर के लड़की की बात करूँ? मरवाएगा क्या? अबे सामने से नहीं रे, फोन पे। सामने से बोलूंगा तो सिर्फ थप्पड़ ही पड़ेगा, फोन पे बोलूंगा तो आदमी भिजवा देंगे। अबे तुझे उसे फोन नहीं करना है, मुझे करना है। क्या बात कर रहा है? यही तो स्क्रीन प्ले है। आज तू शाम को मुझे कॉल करना, ठीक 5 बजे करना है। जैसे ही तेरा फोन आएगा, तुरंत ही गायत्री का भी फोन आएगा, और उस फोन पे मेरी बहन की नजर पड़ेगी। जब मेरा फोन रिंग कर रहा होगा तो वो उसे उठाने के लिए आएगी, तभी हमारी कहानी में ट्विस्ट आएगा। तेरे लिए ये दुनिया। अब सलवी फोन बज रहा है, देखना किसका है। नहीं है? नहीं उठाएगी। स्क्रीन प्ले बदल क्यों रहा है? अरे रिंग हो रहा है, फोन उठाना। तुम्हें सुनाई दे रहा है ना, तुम खुद आकर ले लो। अरे यार काम बिगड़ जाएगा, फोन उठाना यार। छह, तंग क्यों करते हो? अरे तू एक बार फोन तो उठा सही। ये लो। ए, मुझे क्यों दे रही है? तुम्हारा ही फोन है, तुम ही देखो। तुम देख रही हो ना सेल्वी, मैं बिजी हूँ, तुम उठाओ ना। उसमें गायत्री का नाम लिखा हुआ आएगा। किसका फोन आ रहा है? कौन है गायत्री? अरे बाप रे, गायत्री का फोन है क्या? कौन है गायत्री? मतलब फोन दो मुझे। पहले गायत्री कौन है बताओ। मैंने कहा ना मेरा फोन बताओ, दो। बताओ पहले कौन है वो। बकवास बंद करो, फोन दो मुझे। कहाँ भाग रही हो? फोन दो मुझे। कहाँ भाग रही हो? फोन दो, फोन दो। गायत्री कौन है बताओ मुझे। गायत्री कौन है बताओ। अरे बाप रे, अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें। बताओ ना भैया।
जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। हेड पार्टी है ना वो। तुम्हें कैसे पता चला? इतनी सारी किताबों में पढ़ा है हमने। तू बहुत समझदार है सेल्वी। अरे बाप रे, तुझे भी पता चल गया इस बारे में। मुझे पता चला तो क्या होगा? अब तुझे पता चल गया तो तू जाके भाभी को बताएगी, फिर भाभी भैया को बताएंगी, और भाई जाके माँ को बताएंगे, माँ तुरंत पिताजी को बता देंगी। क्या बात है जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या काम करके आया है देख रहे हैं आप? हमारा स्टेटस क्या है और वो लड़की कौन है, किस जात की है, कौन से गोत्र की है? वो हमारी फैमिली लायक लड़की है पिताजी, वो हमारी फैमिली हमारे कल्चर को बहुत पसंद करती है, अच्छी लड़की है वो, मेरी बात का भरोसा कीजिए। वीणा भी बहुत अच्छा बजाती है, बस उसमें से गिटार का साउंड आता है। मैं आपसे इस बारे में खुद बात करने वाला था, लेकिन ये सेल्वी ने। अच्छे से फंस गया। सिर्फ तेरा देखना काफी नहीं है, हमें भी देखना है। कहानी बदल रही है। उसे आने के लिए बोल दे। हाय हाय, मैं रेडी हूँ। तुम जानती हो ना ट्रैफिक में फंस गया था। चलो तमीज से रहने से इज्जत मिलेगी और इज्जत तमीज से रहने से मिलती है। क्या देख रही हो? तुम्हें इस बारे में नहीं पता है क्या? हाँ? नहीं पता है? ये पंक्ति हजारों साल पहले लिखी गई थी, समझ गई? हाँ, हजारों साल पहले। चलो आ जाओ। अरे अरे गायो, संभल के क्या कर रही हो? देख के चलो ना, बाहर की पंक्तियां पढ़ के डर गई हो क्या? चलो आ जाओ। सुब्रमण्यम अय्यर है क्या? गायो क्या देख रही हो? ये मेरे नाना जी हैं, मेरी मम्मी के पिताजी। चलो आ जाओ, आओ ना। हाय, ये एड पार्टी है ना? मैं इनकी सिस्टर हूँ, नाइस टू मीट यू। हे, माँ कहाँ है? अंदर है, जाओ। मैं आपको ऐरा गैरा समझ रही थी, लेकिन आप तो बहुत खूबसूरत हैं। माँ, 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 माँ। अरे क्या, अरे बात है, क्यों ऐसे खींच रही हो? आओ ना। माँ, भैया ने जिस लड़की को ढूंढा है वो यही है। अरे तुम चुप रहो बेटी। अच्छी हो ना, घर में सब ठीक ठाक है ना? भरत से बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, तुमसे मिलना चाहते थे इसलिए तुम्हें बुलवा लिया। तुम मामपरम से हो क्या? नहीं नहीं भाभी, माइलापुर से हैं। भाभी, ये चूड़ीदार आपने कहाँ से खरीदी है? बहुत अच्छी है। ये रंगाचारी का है। ये तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। भाभी पहली बार ये घर में आई है, कुछ खिलाएंगी पिलाएंगी नहीं क्या? वही तो, इतनी सी बात ना, अभी लेकर आती हूँ। गायो इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? फ्री हो जाओ ना। हाँ बेटी, तुम्हारा इस घर पे पूरा हक है, जो चाहिए वो बोलो, मुझे भी अपनी माँ ही समझो। बैठो भाभी। शक्कर ठीक से डाला है ना? थैंक यू। पियो ना। तुमने अपने घर में तो बता दिया ना? घर में नक्षत्र देखे बिना कोई ये सब बोलता है क्या? गायत्री ये सब समझती है ना बेटी? संभल के संभल के संभल के, लगता है कोई याद कर रहा है। वैसे तुम लोग सांसारिक हो ना, कौन सी जात से हो? गोत्र जात या कोनियम जात से? ये क्या है माँ, दुनिया इतनी फास्ट हो गई और आप गोत्र और शास्त्र में जुड़ी है, ये हमारी अपनी है। हाँ वो तो देख के ही लग रहा है। पिताजी,
पिताजी ये गायत्री। नमस्ते। हाँ, खुश रहो बेटी, खुश रहो। इसने हमें सारी बात बता दी है। इसे कुछ खाने पीने को दिया? हाँ, मैंने कॉफी भी, बहुत अच्छी थी। कॉफी अच्छी थी ना? और हमारे घर वाले पसंद आए? बहुत। बेटा एक काम करो, तुम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को हमसे आकर बात करने को बोलो। हाँ भरत, बहुत देर हो रही है, जाकर इसे छोड़ कर आओ। अरे तेरे पिताजी को पसंद आ गया। घर की अगली बहू मिल गई। एक काम करो, तुम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को हमसे आकर बात करने को बोलो। भरत तुम अभी कहाँ हो? प्लीज जल्दी आओ, प्लीज जल्दी। कहाँ? अरे रुको मत, चलो। सीधा चलो क्या? चलो। ठीक है, आगे से लेफ्ट। फिर से लेफ्ट। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? यहाँ से स्ट्रेट चलना है। अरे कहाँ है? अरे यहीं पर है। आगे वहाँ जो मंदिर दिख रहा है ना, वहीं से राइट ले लेना। अरे यार। बेवकूफ है क्या, देखकर नहीं चला सकता? कौन है? अरे हमारी गायत्री। अरे चाचा जी। अरे क्या बताऊँ, मेरी बीबी ने मुझे बहुत मारा बेटी। अरे तुझे नहीं छोड़ूंगी, रुक बता। अरे गायत्री तुम कब आ गई? अच्छा अभी आकर बात करती हूँ तुमसे। बात तो रुक, रुको चाची। अरे बेटी गायत्री, कैसी हो तुम? अच्छी हो ना? कितने दिन हो गए तुमसे मिलकर। आप कैसी हैं? मैं इसका इंतजार कर रही थी। कैसी हो तुम बेटी? हाँ अब यही रुकने वाली हूँ। दिख रही हो तुम? आप लोगों की साझेदारी दिख रही हो। तुम ठीक तो हो ना बेटी? क्या बेटी गायत्री, कब आई थी? भाई से मिलने के लिए आई। कॉलेज की छुट्टी है क्या? ये कौन है? ये मेरी पहचान की। पहचान वाला है क्या? संभाल कर लेकर जाना है। आराम से, इसकी अच्छे से मेहमान नवाजी करना। तो सच बता भाई मुझे। अरे मार इसे भाई, वो लड़की मुझसे प्यार करती है भाई। भाई भाई और मार। इस बस्ती में रहना है तो इज्जत से रहने का। Oh
बात है पूछो। बिना कुछ बोले यूं टहलते रहना, इतने में वो भाग जाएगी उसके साथ। कौन है, क्या है? हॉस्टल में पढ़ाने से अच्छा पढ़ाई करेगी बोल रहे थे ना? बहुत अच्छी पढ़ाई की तुम्हारी बहन। पूरे गांव में प्यार करती इसका नोटिस देकर आई है और आप यहाँ ऑफिसर जैसे टहल रहे हैं। हमारे भी बच्चे हैं, देख लेना। माँ के सहारा के बिना भाभी उसे कैसे पाल के रखी, ऐसा सोचकर पूरा गांव थूकी। थोड़ी छूट क्या रही थी? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी। अपनी हद में रह। मारो, मारो मुझे। ये सब देखने से अच्छा मैं मरी जाऊं। ले मर जा। माँ। Hey, चलो जाओ यहाँ से। अरे अरे, जिसने गलती की है उसे मारना छोड़कर मेरी बेटी पर क्यों हाथ उठा रहे हो? तुम कभी खुश नहीं रहोगे। मेरी बेटी यहाँ आओ। मेरे लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है, न रोने की जरूरत है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, मैं ही चली। कहाँ जा रही हो? हम सबको समुद्र में डुबा कर जाओ। तेरे ही खातिर हम जी रहे थे, अभी समुद्र में डूब कर मरते हैं। पिताजी आप चुप रहिए। पिताजी आप भी गुस्सा मत दिलवाइए। ज्यादा चली जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो इज्जत भी चली गई है। कौन है वो जिसने मेरी बेटी के मन में ऐसी बात डाली है? उठा ला उसे, काट के समुद्र में फेंक देंगे। पिताजी, हाथ पर काटने से मसले का हल नहीं निकलेगा। लंबी जिंदगी है, जल्दबाजी मत दिखाइए। इतने सालों से जो जाल बिछाया था, इसकी वजह से आज हम खुद उसी जाल में फंस गए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसे काट दो। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो बच्चों के हाथों में हथियार दे दो। आप शांत रहिए, हमारे लिए इसकी खुशी जरूरी है। देखा ना इसका रोना, देखा ना आपने? अगर वो नहीं मिला तो ये मर जाएगी। छोड़ दो, हमारी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दो, क्योंकि प्यार से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। क्या बात है, कुछ बोल नहीं रहे हो? मैं जानती हूँ जो अच्छे घरों में रहते हैं उन्हें अगर यहाँ आकर रहने कहेंगे तो कैसे रहेंगे? यहाँ के लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं, हमेशा कानून के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, दिल की बातें छुपाना नहीं जानते हैं। ये लोग ऐसे ही हैं। मेरी पढ़ाई, मेरा करियर, ये सब बिगड़ ना जाए इसलिए मुझे हॉस्टल भेज दिया। पर तुम यहाँ कैसे रह पाओगे? तुम्हारा बंगला है, शानदार परिवार है। जब मैं तुम्हारे घर आई थी तब सबने कितना अच्छा बर्ताव किया था मेरे साथ। माँ, भाभी, भाई, बहन, पिताजी, सब कितने प्यार से पेश आए थे मेरे साथ। कुछ पलों के लिए मैं कितनी खुश हो गई थी। मैं चाहती हूँ वही खुशी तुम्हें मेरे परिवार वालों से मिलकर मिले। मुझे तो इन लोगों से कोई शिकायत नहीं है, मुझ पर जान छिड़कते हैं ये। मुझे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक परी की तरह मानते हैं मुझे ये लोग। हम दोनों की फैमिली एक जैसी ही है पर जगह अलग है, बस इतना ही फर्क है इनमें। मैं रायब्रह्म में रहती हूँ और तुम रायपेठा में, बस थोड़ी दूरी ज्यादा है। नहीं नहीं, दूरी ज्यादा नहीं है, जरा पास आओ। पास आओ ना। क्या है? मेरे बारे में क्या सोचती हो तुम? हाँ, माना कि मैं रोज लड़कियों से मिलता हूँ, लेकिन सबसे प्यार थोड़ी ना करता हूँ। बस एक ही लड़की होती है जो दिल को अच्छी लगती है और उससे प्यार हो जाता है, और वो तुम हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। मेरी बात सुनो, जब किसी लड़की से मिलते हैं ना तो उसके साथ समय बिताना हमें अच्छा लगता है और उसी को हम कहते हैं प्यार। प्यार होने के बाद चाहे कितना भी चाहो दूसरी लड़की दिमाग में आती ही नहीं है, यही होता है सच्चा प्यार। प्यार होने के बाद शादी होना तय है, ये सब एक प्लानिंग है। कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। अब जब उसने तुम्हें मेरे लिए बनाया है तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अच्छा तुम्हें याद है ना, हमारे प्यार की शुरुआत एक छोटे से एक्सीडेंट से हुई थी, तभी हम दोनों मिले थे। तभी मैंने सोच लिया था कि शादी तुमसे ही करूंगा। अब जब मैंने सोच लिया था तो फिर भला अपना फैसला मैं कैसे बदल सकता हूँ? अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। गायो, फर्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिला था तो मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, लेकिन अभी मुझे सब कुछ पता चल गया है। पता चलने के बाद अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो हमारे बीच प्यार कैसा? कूल बेबी कूल, वैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना, वैसी ही हमारी भी स्टोरी है अब। कैसा सामान भेजते हो यार, सब में जंग लगी हुई है। अच्छे से शार्प तार बनाकर भेजो, नहीं तो तुझे मैं शार्प कर दूंगा, केक के जैसे काट डालूंगा तुझे।
ए, लेके जाओ। क्या है? हाँ? गायत्री। आजा। बैठ। गायत्री वाईगे, तुम बोलो। मेरा नाम भरत है। एमबीए की पढ़ाई करके पिताजी का बिजनेस संभाल रहा हूँ। एक बड़ा भाई भी है, उसकी शादी हो चुकी है और उनके दो बच्चे भी हैं। मेरी एक बहन है, उसकी पढ़ाई होने के बाद हमने ये सोच रखा है कि उसकी शादी कर देंगे। और हाँ, माँ भी हैं। यही है मेरी फैमिली। कुछ लोगों को देखने के बाद उनसे प्यार करने का दिल करता है और कुछ लोगों को देखने के बाद उनसे शादी करने का दिल करता है। उसी तरह गायत्री से मैं शादी करना चाहता हूँ। ये मेरे पिताजी हैं। आशीर्वाद। खुश रहो, खुश रहो। ये लीजिए। ये क्या? मुझे इसकी आदत नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत पसंद है, ऐसा गायत्री ने बताया। लड़का बहुत होशियार है। खड़े खड़े हंस क्यों रहे हो? बोट आ गई है, चलो जाओ। हाँ, चलो जाओ, जाओ। उसे भी दो भैया। हाँ, लगता है कमाल कर दिया तुमने। ठीक है, ठीक है। हमारी फैमिली में किसी ने इतनी पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ सिस्टर ने ही अच्छे से पढ़ाई की है। अगर हमारी फैमिली में कोई टेंशन हो ना, तो उसके साथ ही कंसल्ट करते हैं, सब सॉल्व कर देती है। अब इसने फैसला किया है तो अच्छा ही फैसला होगा। बचपन से ही उसे नाजों से पाला है, उसकी खुशी में ही हम सब की खुशी है। गायत्री को मैं जिंदगी भर खुशी से रखूंगा। आप टेंशन मत लीजिए। आप जो चाहते हैं बताइए, हम पूरा करेंगे। आपकी लड़की को जो कुछ भी चाहिए उसे मैं पूरा करूंगा। अरे ये हर बॉल को ठीक से मारता है, लगता है ये ऑलराउंडर है। फिर एक अच्छा सा मुहूर्त देख करके अपने माँ बाप को यहाँ आने के लिए बोलो। लगता है कुछ ज्यादा ही सोचते हो तुम। वो क्या है कि मेरी समस्या उसी पर है। क्या समस्या है? मेरी फैमिली अलग है और आपकी फैमिली अलग है। दोनों के रहने का तरीका बिल्कुल अलग है, सब कुछ अलग अलग है। सच कहूँ तो मेरे पिताजी बहुत ही संस्कारी है, शास्त्रों को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी बिताते हैं। उन्होंने कभी भूल से भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाया। जब मैंने उनसे गायत्री के बारे में बात की तो मैंने कहा कि वो हमारे कल्चर को जानती है, वो हमारी फैमिली में एडजस्ट हो जाएगी, ऐसा मैंने उनसे झूठ बोला। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। उसके लिए आप लोग को बदलना होगा। हैं? अरे बस कुछ ही दिनों के लिए। अरे पुंगी बजा दी इसने तो। एक्टिंग करने के लिए बोल रहा है? ये सब अपुन से नहीं होगा। प्यार करने के बाद तुम लोग शादी करने वाले हो, फिर काय को ये सब कास्ट कल्चर झांकी, पसंद है या नहीं है बस इतना बताओ। पसंद तो बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम भी है। आप सब लोग बड़े हैं, बुरा मत मानिएगा। बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि स्थिति के हिसाब से बदल जाना चाहिए। हजारों झूठ बोल करके एक शादी करवाई जाती है, और हमारी शादी के लिए आप लोग एक झूठ तो बोल सकते हैं। अरे रे रे। गलत मत समझिए। हम दोनों की खुशी के लिए आप लोग थोड़ा बदल नहीं सकते क्या? प्लीज, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, बस ऐसा ही पूछ रहा हूँ। कल को तुम्हारी फैमिली को हम बदलने के लिए बोलेंगे तो वो बदलेंगे क्या? आप जो करते हैं आपको सही लगता है सर, और जो हम करते हैं वो हमें सही लगता है। हर इंसान अपने हिसाब से अपना कैरेक्टर बनाता है। हम दोनों की फैमिली एक दूसरे की इज्जत करे और हमारी शादी हो जाए, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। कल हम लोग ही तुम्हारे घर आते हैं।
खुश हो ना अब? पहली बार जब मैं तुमसे मिला था तब मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था। लेकिन जब तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चली तो मैं बेहोश होकर के गिर गया था। ओ, अच्छा, तो तुम मेरी वजह से बेहोश होकर गिर गए थे? और नहीं तो क्या। काफी अच्छी कहानी बना लेते हो तुम। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बिजनेस करते हैं और मैं उनके बिजनेस को संभालता हूँ। हे रुक 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 रुक। क्या यार, यहाँ क्यों लेकर आया तू मुझे? हे, ये जगह देखना कितनी अच्छी है। हे, मेरे सास ससुर का घर यहीं पे है। गायत्री का घर? हाँ? भाई, मैं इस खेल में तेरे साथ नहीं हूँ। पिताजी को पता चला तो बहुत मारेंगे मुझे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। छोड़ मुझे, मुझे जाने दे यहाँ से। तेरे अलावा मेरा है ही कौन पगले? अबे डूब के मर जा, मेरी जिंदगी का सवाल है। जरा इधर। वो जो तेरा लव मैटर है ना, अरे वही लड़की कविता। मैंने उससे तेरे बारे में बात कर ली है। सच में? क्या? हे, माँ की कसम बे। हे, कौन सी माँ के बारे में बोल रहा है? मेरी माँ बे। हाँ, फिर तो सही रहेगा। तुम गायत्री की कसम खा के बोलो। हुँ? क्या बात है, गायत्री का नाम लेते तुम्हारी जुबान ही बंद हो गई? गायत्री की कसम का पहले। अरे खाना कसम। हाँ, मैं कसम खाता हूँ। मेरे कान में कुछ सुनाई दिया वेस्ट करके। आज तूने सुबह दांत नहीं घसा क्या अपने? अरे वो तो रात में ही घसता हूँ मैं। ऐसी बात है क्या? हाँ। ये है मेरा दोस्त खाना। हमारे घर के संस्कार, हमारे घर की भाषा, सब कुछ आप लोगों को यही सिखाएगा। टीचर है ना? टीचर बोले तो एमजी आर है क्या? अरे इसने MBBS की डिग्री ली है। इसका मतलब? मतलब कि डॉक्टरी का पुरस्कार मिला इसे। ये सब इन्हें क्यों बता रहा है तू? कम से कम 10 पंक्तियां बोलनी होंगी। बहुत शार्प रहना चाहिए, नहीं तो मैं इंसान नहीं रह जाऊंगा तुम्हारे लिए। अभी तुम कैसे लग रहे हो? मेरी बेइज्जती कर रहा है, स्टूडेंट बदल दो। ओल्ड स्टूडेंट है यार, बट गोल्ड स्टूडेंट। अच्छा, है ऐसा क्या? वेरी गुड, तुमने बहुत बढ़िया बात की है। चुपचाप मैं सबको बोल देता हूँ, सुबह सुबह स्लेट और पेंसिल के साथ मुझे यहाँ पे मिलेंगे। अरे बाप रे, बहुत डर लग रहा है। पहले हम भगवान के अक्षर के साथ पाठ शुरू करेंगे। तुम लोग भगवान की प्रार्थना करना। करोगे ना सब लोग साथ में प्रार्थना? कान्हा, क्या बात है दादाजी? पहले तुम भगवान से प्रार्थना कर लो। अगर मैंने ठीक से त्रिकुरल पंक्ति को नहीं सीखा तो भगवान ही तुझे बचा सकता है। ये कैसे हो सकता है दादाजी? अरे वो तो सीखने की कैपेसिटी के ऊपर है ना। कैपेसिटी, मैकासिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बात मुझसे नहीं करने का, ठीक से पाठ पढ़ाने का, समझा ना? ये सब क्या यार, मरवाएगा क्या? आधा इंसान आधा जानवर। तो फिर ठीक है, ओके। झूठा प्यार दिखाने वाले कभी दोस्त नहीं होते, जो दिल से प्यार करे वही दोस्त होता है। आप लोग बताइए। रिपीट। दादाजी, आपके बाल जो हैं वो पक चुके हैं, लेकिन आपके स्टाइल एकदम जबरदस्त है। बुड्ढे हो गए हैं लेकिन मजाक करना नहीं छोड़ा। ऐ, उम्र के बारे में मत पूछो, वो केवल मेरी पत्नी पूछ सकती है। सिर्फ तुम उस पंक्ति को ठीक से बोलो। झूठा प्यार दिखाने वाले कभी दोस्त नहीं होते, जिनके दिल में वही दोस्त होते हैं। अब आप बोल कर दिखाइए। बाहर से हंसने वाला हंसकर जो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है वो दोस्त नहीं है। ये तो कुरल की पंक्ति सिखा रहा था ना, लेकिन ये लोग तो बंदर जैसे नाच रहे हैं। कुल पंक्ति कोई मामूली बात थोड़े है, हर पंक्ति में एक मीनिंग छुपा हुआ है। लगता है कुछ डांस का मिल गया इसके अंदर। तुम अच्छी दे। दादी जी, अब हम एक कुरल पंक्ति पढ़ेंगे। इर्द गिर्द में जो लोग पर्यावरण संभालते हैं, पर्यावरण की वजह से बारिश होती है। घूसा मारूंगी। अरे सुन धना, बंदूक बोलकर बंदूक के बारे में ही बात कर रहा है, ये क्या है जरा आकर सुन। दंगा क्यों फैला रहा है? दंगा? और मैं? ए, मुझसे नहीं होगा ये सब, मुझे जाने दे भाई यहाँ से। कॉन्फिडेंस काना, कॉन्फिडेंस। अच्छा खाना खा के बॉडी बनाया है। खाइए खाइए खाइए। मुझे लगता है कि आप अच्छे से बोल सकते हैं। अच्छा शब्द है लेकिन शब्द का इस्तेमाल नहीं आता, इसलिए सामने फल है लेकिन नहीं खा पाते। एक बार बोलिए ना आप इसे। सुनिए, कर ही लीजिए। अरे ये क्या करी दे रही है, कच्चा फल किधर है?
अरे बाप रे। अच्छा हुआ छोटे भाई ने याद दिला दी। अरे मेरी किस्मत चुगली लगा रहा है। ए भाई मुझे आप जानते हो सर काट दूंगी। मैं कुछ बोलता हूँ ये लोग। चिंता मत करो दास, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, मैं डील क्लियर कर लूंगा। सुनिए क्या बात है। अरे मेरी गर्लफ्रेंड है, बस्ती में रहती है, तुम अपनी पंक्ति सुनाओ। धनवान लोग कान से अच्छे शब्द सुनते हैं, जो अच्छे शब्द सुनते हैं वही धनवान होते हैं। ये अपने पान पट्टी वाले सलून की बात कर रहा है, उसकी बीबी का नाम भी पंक्ति पर आ रहा है। ये कोई गाना नहीं है, पंक्ति है, जरा ठीक से बोलो यार। अरे मुझे क्यों बरवा रहे हो यार, अरे कोई तो ठीक से बोलो। अरे भगवान, कोई ठीक से नहीं बोलने वाला क्या यार तुम लोग। अरे तू ही संस्कार सीखने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? अच्छा ठीक है, कितनी गाली गलौज जानते हैं आप लोग? कितनी जानते हैं बताइए ना, कितनी जानते हैं? 1000 गालियों से ज्यादा जानते हैं। उससे कहीं ज्यादा संस्कार सीखना अच्छा है आप लोग के लिए। अच्छा ये गालियां किसने सिखाई आपको? इसकी जरूरत नहीं है फिर भी आप लोगों ने सीख ली है, तो फिर ये बताइए संस्कार क्यों नहीं सीख सकते हैं आप लोग? भाई मुझे नहीं लगता है कि ये लोग सीख पाएंगे। तुम दोनों का प्यार टूट जाएगा इस बात का मुझे डर है। आप कैसे मिलेंगे मुझे पता नहीं, तुम खुद ही सोचो भरत। ये है FM 92। नमस्ते, कौन बात कर रहा है? मैं रायपुरम से धना बात कर रहा हूँ। कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे? एक हिंदी फिल्म का गाना बजाइए। हिंदी फिल्म का गाना? हम आपको कोई पंक्ति सुना सकते? ठीक है गाने की ही पंक्ति सुनाइए। तो ठीक है, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ो। पढ़ लिया? हाँ पढ़ाई किया। दूसरी पढ़ाई भी शुरू कर दी। हेलो कुरल की पंक्ति सुनाइए। आपको भी पंक्ति सुनाऊं? हाँ ठीक है सुनाती हूँ। जिसे प्यार नहीं मिलता, जिसे प्यार नहीं मिलता उसका कुछ नहीं होता। नहीं 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 वो नहीं, वो नहीं, उसका कुछ नहीं होता। अरे मुझे दे, मैं अरे कमाल कर दिया। अरे रुको ना मुझे, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं बात करती हूँ, मेरे बारा ना रुको, मैं बोल रही हूँ। क्यों देख लिया ना? आप यहाँ पर बैठकर हंस रहे हैं और मैं बिना पैसों के कन्याकुमारी जाकर आ गया। ए, बिना पैसे के तू कन्याकुमारी कैसे चला गया? हाँ भैया देखा क्या बोल रहा है, सच है क्या रे? मैं सच बोल रहा हूँ, कन्याकुमारी जाकर मैं उस देवी से मिलने के लिए तड़प रहा था, पर क्या करूँ हाथ में पैसा ही नहीं था। मैं एक दिन समुद्र के सामने खड़ा होकर निहार रहा था, फिर बोला देवी माँ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कोई तो रास्ता दिखाओ। आप विश्वास नहीं करोगे, समुद्र से एक बड़ी सी मछली बाहर आई। आपको यकीन नहीं होगा, वो मछली एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग की तरह बहुत बड़ी थी। उसने मुझे देखा और मुझसे पूछी, बालक तुम रो क्यों रहे हो? मछली ने तुमसे बात की? बिल्कुल सही भाई, तुम्हारी तरह मैं भी हिल गया था। इसके पास एक पावर है पता है। फिर मैंने बोला मुझे देवी माँ से मिलना है, तो मछली ने कहा मैं शिलोंग जा रही हूँ, चाहो तो तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगी। मैं कूद कर बैठ गया और वो रॉकेट की स्पीड से भागने लगी, और अचानक मैंने देखा कि कन्याकुमारी की देवी माँ मेरे सामने खड़ी थी। अच्छे से दर्शन हुआ, अब चलता हूँ भाई, चलता हूँ। इसकी तो देखा ना कितना फेंक रहा था, ऐसे कई लोग हैं हमारे घर के बगल में। उसे घर नहीं बोलते भैया, नदी बोलते हैं। लगता है ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है, चाहे समुंदर बोलो या नदी बोलो। क्या बोला आपने? क्या बोल रहे थे आप? अरे कुछ नहीं, तुम अपनी क्लास शुरू। अरे वाह तुमने अच्छा याद दिलाया, क्वार्टर पीने का वक्त हो गया है। ठीक है मैं चलता हूँ टीचर। मेरा पीने का वक्त हो गया है। किसी से मिलने पर नाश्ता किया कि नहीं ऐसा पूछा जाता है। नाश्ता किया क्या? नाश्ता किए नहीं, नाश्ता किया किया। सुनो इधर आओ। नमस्ते भाई, ठीक से नाश्ता किया क्या? यहाँ थोड़ा खींचना है। नाश्ता किया क्या? ये हंस क्यों रहा है? अरे ये पूछ रहे नाश्ता किया क्या। भाई इनके साथ दोस्ती मत किया करो, जरा छोड़ा तो पूरे गांव को बिगाड़ देंगे। दाना अब हम क्या करें? पिताजी आप चुप रहिए, चुप जाप आइए। साले साहब धोती नीचे कीजिए प्लीज। आदत से मजबूर हूँ। साले साहब आपको बहुत ही होशियारी से रहना होगा। वीरा स्वामी मूवी देखने के लिए थोड़े ले जा रहा है तू।
उससे कहीं ज्यादा डेंजर मेरे पापा है, जानते हैं। तो मैं भी मानता हूँ। वीरा स्वामी से भी ज्यादा दिखेगा क्या? आप धीरज रखिए, आइए। भरत, तुम्हारे पिताजी पंक्ति कैसे पूछेंगे? किस स्टाइल में पूछेंगे? ए, मजाक उड़ा रहा है? ए, मैं खुद टेंशन में हूँ, क्या कर रहा है तू? चलिए साले साहब, सब लोग इज्जत से आइए, शांति से, शांति से इज्जत से पेश आइएगा। आइए आइए आइए, अंदर आइए 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 आइए। मैं माँ को बुला के लाता हूँ, तू यहीं संभाल। वहां देखिए भाई, ये तो बड़े साहब है, त्रुवालुवर है। स्वामी जी, बड़े लोग दाढ़ी भी रखते हैं और चश्मा भी पहनते हैं। इन्होंने दाढ़ी रखी है, चश्मा नहीं पहना है। आप चुप रहिए, पधारिए और आराम से बैठिए। ठीक है। हे भगवान, कैसे लोग हैं ये लोग। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठना है। ऊपर? तुम्हारे ऊपर बैठूं क्या? अरे मेरे ऊपर नहीं, सोफे पे बैठना है। तो ऐसे बोलना बेवकूफ। अरे बैठ जाइए ना, थोड़ा अच्छे से बैठिए ना, धोती नीचे करिए, चड्डी भी नहीं पहनी आपने। भाई थोड़ा इज्जत से बैठिए ना आप लोग। ये पैर नीचे कर लीजिए ना भाई, थोड़ा इंसान की तरह बैठेंगे तो देख करके अच्छा लगेगा। ऐसे है, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है ऐसे ही। अरे आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या? ठीक है ना, आप लोग हर चीज इतनी देर से क्यों समझते हैं? अरे और सुनिए, आप अभी अय्यर हो। देख, ये समय पसंद नहीं करता। अरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक है भाई, सब अच्छे से हो जाएगा। अरे बैठ जाइए, माँ जी आई हैं। बैठिए बैठिए। पिताजी अभी आ जाएंगे। आइए आइए, कॉफी लीजिए। नवरात्रि के दिन आप घर पे आए हैं, आपको खाना खाकर ही जाना होगा। आप लोग कुछ बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठंडा लेकर आती हूँ। क्या बोल रही थी? लड्डू चकली खाने की चीज। कमला तूने बहुत लेट कर दी। मैटर किधर है? अरे चुप करिए, यहाँ ये सब नहीं मिलता है। ऐसी बात है क्या? क्या कर रहा है? चुप है। भारत, वो 15वीं पंक्ति क्या है? अरे वो 14 के बाद जो आता है, 15। हाँ यहाँ का वहाँ, वो बताओ ना। हाँ यहाँ का वहाँ, सही कहा, यहाँ का वहाँ। जरा इधर देखो, समझ गया? अरे बाप रे, सही है सही है पिताजी। नमस्ते 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 नमस्ते। ये हैं गायत्री के भाई और ये उसके पिता। नमस्ते, ये उसके रिश्तेदार हैं। नमस्ते नमस्ते। आप लोग अच्छे हैं? हाँ हाँ, सब अच्छे। जानकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। भरत, हाँ बेटा, वो जो 32वां फोन है पापा, ठीक से संभाल लेना। अब हेलो, नमस्ते, माफ कीजिए, घर पर एक विशेष कार्य है, काफी लोग आए हैं, मैं अभी तुरंत नहीं आ सकता। हाँ आप फंक्शन शुरू कीजिए, मैं अंत में आकर शामिल हो जाऊंगा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ये हमारे खास रिश्तेदार हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ वैसे आप काम क्या करते हैं? वो क्या है ना, खून करना हमारा। क्या? अब वो खानदानी उन्होंने खा शब्द का इस्तेमाल किया। खाना खाना। अभी आप बड़ा लाभ यूज करिए, कुरल की पंक्ति। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, आजकल ऐसा कौन करता है? आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। भरत, वो 1001 ये गायत्री के भैया हैं। कुछ पूछिए। अरे ये तो तुमने बता दिया ना, बचपन में ही सब कुछ भूल जाता है, आप तो जानते ही हैं। दादाजी, दादी बुला रही है। अभी आता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। अच्छा सुनिए, हमारे घर का फंक्शन है, आप लोग सब खाना खाकर ही जाइएगा, ठीक है? मैं आता हूँ। मैं यहीं पे हूँ, इनका ख्याल रखना। अरे जीजा जी, मैं तो सिर्फ 30 तक की पंक्ति जानता हूँ, वो तो 1000 के ऊपर पूछ रहे हो। उन्होंने क्या 1000 पूछा, तुमने क्या सोच लिया? अरे 1000 स्क्वायर फीट, घर घर की बात। 1000 फीट का घर पहले क्यों नहीं बताया तूने मुझे? अड्डे शेदार अड्डे, समझ में नहीं आया क्या भाई? तुम्हें बुला जी। पिताजी पंक्ति के बारे में कब पूछेंगे? भाई आप सिर्फ 30 पंक्ति जानते हैं, वो हमेशा उसे ही पूछेंगे। वो तो ठीक है, क्यों? लेकिन रिश्ते के बारे में बात नहीं हुई। साले साहब, पिताजी मूड के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है। टीचर बोला था ये पूछेंगे वो पूछेंगे, लेकिन कुछ भी तो नहीं पूछा। अरे दादाजी ज्यादा हिलिए मत आप ऐसे, यहाँ पर नहीं पूछेंगे, अंदर पूजा घर में पूछेंगे। आप एयर की भाषा में बात करिए। देखना मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा। हो गया काम।
पंक्ति के बारे में पूछा ही नहीं। वही तो, हमसे कुछ पूछा ही नहीं। मामा जी, हाँ भाई, सही समय देख के लोग हमें खुद से बोल देना है। इधर आओ। अभी से अपना कमाल दिखाता हूँ। देखता हूँ। गलत जगह है। इस घर में घड़ियाल है क्या? किस लिए? वेड नाम वीडियो मूवी में शिवाजी का निशान घड़ी थी। अच्छा? वो घड़ी उन्होंने किस हाथ में पहनी थी? लेफ्ट में या राइट में? यही जानना चाहते हो ना? सेंटर में था। अरे मैं अपनी भाषा बोल गया दादाजी, आप आइए मेरे साथ। अरे जाओ उससे जाकर बात कर। अरे जाना जाकर बात कर, तू चुप नहीं बैठ सकती। मेरी बात मान और बात कर, जाना। मुझे फंसा रही है बुड्ढी। चलो इसे बाहर रख दूँ। संभाल अच्छे से करना। मेरे पति भी बार बार त्रिकुरल पंक्ति बोलते ही रहते हैं। ऐसा क्या? ठीक है, उनमें से एक बताइए, मैं भी सुनती हूँ। जरा जोर से बोलो ना। भाभी, भाई आपको बुला रहे हैं। बोलिए ना। भाभी के साथ बात कर रही थी ना, आप गाना गाती हैं क्या? अरे ये किताब नहीं बेटा, ये लीजिए दादाजी। अरे ये भी नहीं, वो वाली कहाँ रखी हो? और ये देखिए। ये तो नमस्ते। नमस्ते, ये मेरी बीवी है। इसका नाम है नमस्ते पुष्पा। आशीर्वाद लो। अरे खुश रहो बेटी, खुश रहो। सोने के बावजूद। हाँ, ये तो कुरल की पंक्ति है ना। सही कहा। अच्छी बात है, ऐसे ही रहना। वो क्या है कि मैं पंचांग ढूंढ रहा हूँ। आप लोग रुकिए, मैं आता हूँ, शायद उस रूम में होगा। हाँ, अरे क्या बात है, जहाँ जो चीज रखो मिलती ही नहीं है। अरे स्वामी जी, पंक्ति कब पूछोगे? पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई पूरी करने के बाद दूसरी पढ़ाई पर ध्यान दो। किसे ढूंढ रहे हैं? पढ़ाई पूरी होने पर दूसरी पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई पूरी करो और पढ़ाई पूरी होने पर दूसरी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये क्या बोल रहे हो? अचानक आकर पंक्ति पूछेंगे तो हमें बताना होगा ना। एक पंक्ति सुनोगे क्या? पढ़ाई पूरी करो और पढ़ाई पूरी होने पर पढ़ाई पर ध्यान दो। बैठे बैठे आप दुकान चला रहे हैं क्या? ये सब क्या बोल रहे हैं? जाइए अपना काम करिए। अरे चुप रहो तुम। अरे जाइए ना। अरे वो वहाँ क्या कर रहा है? अरे उनके आने पर पंक्ति सुनाना है ना। अरे उसे यहाँ पे बुलाओ। अरे बुला लो, सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे उनके आते ही पंक्ति सुनाना है ना, इसीलिए खड़ा हूँ। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? खुद भी फंसेंगे, अभी भी फंसेंगे यार। जब पिताजी पूछेंगे तभी बताइएगा। अरे भगवान, वो आ गए। पढ़ाई पूरी करो और पढ़ाई पूरी होने पर दूसरी पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई करो और पढ़ाई पूरी होने पर दूसरी पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे ये क्या? देखो देखो यार, तू मरवाए। पढ़ाई करो और पूरी पढ़ाई होने के बाद दूसरी पढ़ाई में ध्यान दो। कहाँ जा रहे? अरे भिंड जाइए, गई बस पानी में। कौवा को बुला रहे हो क्या? पढ़ाई में ध्यान दो। लगता है आज अपनी कहानी खत्म। ये सारे अक्षर भगवान की देन हैं, भगवान के जरिए ही मिले हैं। तुम लोग सारी पंक्तियाँ लिखवा कर लाए हो और मुझे धोखा दे रहे हो। अरे बाप रे, यहाँ पर तो इन्होंने सबको घुटने पर बिठा दिया। मेरे घर में आके मुझसे नाटक कर रहे हो? अरे बाप रे, अब लगता है ये सबकी लकड़ी से पिटाई करने वाले हैं। चुप रह, चुप रह, ज्यादा मत बोल। अब इस हालत को कौन संभालेगा? तेरी तो। क्या हुआ तुझे? अरे यार, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया, हमारी कहानी खत्म। देखना उधर क्या चल रहा है, देखना। देख, देख उधर देख। वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो सारे लोग मिल करके हंस रहे हैं यहाँ पे। उन्हें तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुझे कैसे संभालूंगा? बहुत खुशी हो रही है, अब दिल भर गया ना। अरे क्या बेटा? बोल रहे हो? हाँ बोलिए ना। हर साल हम गोलू पूजा में एक नई गुड़िया रखते हैं और इस साल हम इस महालक्ष्मी को रख रहे हैं। एक अच्छा दिन देखकर हम आपके घर इसका हाथ मांगने आएंगे। तुम खुश तो हो ना? बेटा भरत, तुम भी खुश हो ना? क्या बात है, इतनी टेंशन में है? ए धना, क्या सोच रहे हो? इतने बड़े आदमी हमारे घर आने की बात कर रहे हैं। आने दो,
इस बस्ती में हमारा घर ही बड़ा घर है। बिल्कुल सही बात। इतना सोच क्यों रहे हो पिताजी? इस बस्ती में आएंगे तो हम कौन है पता चल जाएगा ना। ये भी ठीक बोल रहे हो। कोई अच्छा एरिया देखना होगा, वो भी आयर की बस्ती ढूंढनी होगी। अरे फिर से बोलो, फिर से बोलो यार। ए, बोल भाई। शिव शंकर ने आपके पिताजी को उल्लू बनाया, लेकिन इस धना ने हम सबका राम नाम सत्य कर दिया। एकदम ठीक बोला। इधर आ। एक पत्थर से दो आम। दो। एक पत्थर में एक आदमी एक नारियल, क्या ऐसा सोच रहा है तू? अभी देखना। भाई इस बेकार जगह पर क्यों लेकर आए? मैलापुर में ही वल्लुवर का जन्म हुआ है। अच्छा? पता है, मैंने पूछताछ कर लिया है। वो बड़े आदमी इसे पसंद करेंगे। ऐसी बात है, देख रहे हो ना, सभी उन्हीं के बिरादरी के लोग हैं। चलो हाँ ये ठीक है, इधर ही एक घर लेते हैं। भाई ये घर है क्या? हाँ ये उतना जम नहीं रहा। चल भाई, इस घर में बोर्ड लगा है। अरे सुनिए, कोई है क्या? कोई है क्या? कौन है, क्या चाहिए आपको? वो बोर्ड पे लिखा है घर भाड़े पे देना है। नहीं जी, यहाँ घर खाली नहीं है। अरे नहीं नहीं, हम भी आपके बिरादरी के हैं। नहीं घर खाली नहीं है। अरे सुनिए तो, अरे किराया कितना होगा? सुनिए, 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 सुनिए। कोई है क्या? कोई है क्या? क्या है भाई? हमने सुना आपका घर खाली है। नहीं है, जाइए जाइए, कुछ नहीं है। भाई इसने तो हमारी बेइज्जती कर दी। हाँ भाई, ऐसी बात है क्या? दामाद जी कहाँ चले गए? ओ वो वॉशिंगटन गए हैं क्या? तुम सब लोग कैसे हो बेटे? मैं और तुम्हारी माँ इतने बड़े घर में अकेले रहकर हम तकलीफ झेल रहे हैं बेटा। भाई क्या है? उधर देखो, घर मिल गया भाई। अगर हमारे साथ तुम लोग रहोगे तो कितनी खुशी होगी हमें पता है। समझे नहीं, उधर देखो बेटा, तुम सब इंडिया कब आने वाले हो? अरे हाँ, कैसा लग रहा है? बड़ा घर है ना, देखो कितना शानदार है। ना आम का पेड़ भी है यहाँ। सही कहा आपने, अब से यही हमारा घर है। चलो हाँ, चलो चलो, आइए आइए। हॉल कैसा लग रहा है? अरे देख क्या रहे हैं, आपने ही बनाया इस घर को। सब लोग कान खोल के सुन लो, 25 सालों से हम लोग इसी घर में रह रहे हैं। हमारी शादी भी इसी घर में हुई है। चुप रहिए जी, इस बात को मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो देखिए, उसी कमरे में हमारी सुहाग रात थी ना। उस रात मैं दूध में शक्कर मिलाना भूल गई थी और आपने उसमें देसी घी मिला दिया था। वो तो पहले से तैयार हो चुकी है, अभी तुम्हारी तरफ से कुछ बताओ। मुझे कुछ नहीं कहना है, अगर मैं कुछ कहूँगी तो उस दिन की तरह फिर से दीवार पर जाकर सिर पटकने लगेगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। ठीक है ठीक है, सब लोग अपने अपना कमरा चुन लो, जिसको जिस कमरे में रहना रह सकता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। बाद में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जाओ सब लोग घूम कर। जीजा जी, हम अपने घर पे आ चुके हैं, आप कब आने वाले हैं? ठीक है जीजा जी। अरे सुनो जीजा जी, अगले 9 मिनट में आ जाएंगे। क्यों 10 मिनट बोलने का ना? पिताजी ये क्लाइमेक्स है पिताजी, यहाँ थोड़ी अलग टाइप से बात करने का। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए नमस्ते, अंदर चलिए। सुनिए जी, हमारा घर भी ऐसा होता तो अच्छा होता ना। वल्लुवर जहाँ रहते थे उसी जगह पर आपने एक अच्छा घर बनाया है। इसी जगह पर घर बनाने की मेरी भी इच्छा है, देखते हैं ये इच्छा कब पूरी होगी। अरे इसमें क्या है, ये घर आपका ही है। तुम सब लोग कौन हो? हमने कोई गलती नहीं की है, इसीलिए सिर्फ बांध के रखा है। मैं कौन हूँ जानते हो? रिटायर्ड बैंक ऑफिसर। तो फिर पुलिस ऑफिसर की तरह क्यों बोल रहे हो? हमारे घर में हमें ही बंदी बनाकर रखा है, ये कोई इंसाफ है क्या? हाँ यही होगा, अपना मुंह बंद करो, समझे? आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, सब लोग अच्छे हैं? सब अच्छे हैं, आइए 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 आइए, बैठिए ना। आप लोग मेरे घर में पहली बार आए हैं तो क्यों ना गर्मा गर्म कॉफी पी जाए। हाँ पियेंगे। अरे शंभू कॉफी लेके आओ। लगता है यहाँ कुछ ज्यादा ही हो रहा है भाई।
अबे अपना मुंह बंद रख, समझा? कॉफी बहुत अच्छी है। ये कुंभू कॉलम की डिग्री कॉफी है। आप लोग लड़की को बुला लीजिए। ठीक है, तुम भी साथ में जाओ। बड़े लोगों से आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटी। वासुकी, हाँ? गायत्री को साड़ी दो और पहन कर आने के लिए बोलो। लक्ष्मी, तुम भी साथ में जाओ। ठीक है माँ जी। आप शुरू कीजिए। घर के बड़े बुजुर्गों और खानदान के बारे में बताइए। दोतारी। क्या बोल रहे हो जी? दोतादरी। मोहरबेक में गांव है कांची। गना, तुम कहाँ हो? घर पे। अब हम लोग यहीं पर सारी रस्में पूरी करेंगे। ए, क्या चक्कर है, ये बाहर क्यों जा रहा है? किसके घर में? मेरे घर पे। लगता है घर में कुछ खास है। हाँ, हमें बुलाओगे नहीं क्या? ए, तुझे क्या चाहिए? जान दोगे क्या? जान दोगे क्या? हाँ, मेरे सामने आ देता हूँ। जरा पलट के देखो। मनी, घंटी वाला मनी, घंटी बजाने आया हूँ। मनी, चुपचाप अभी यहाँ से चला जा। अच्छा, सुना है तुम लोग संबंधी बनने वाले हो। तुम्हारे बारे में वो लोग जानते हैं क्या, इसलिए घंटी बजाने आया हूँ। अरे अय्यर जी, शंकर जी, क्यों रहे? सुन, मेरे पास सुन, मेरी बहन के रिश्ते की बात होने वाली है। अपने मेहमान को खाना खिलाने की जगह भगा रहे हो। मैं वो भाषा भी जानता हूँ मिस्टर अय्यर। पंडित जी सुनिए, बात सुनिए। अबे तुम लोग कहाँ चले गए? अबे कहाँ गए, जल्दी आओ। अरे जैकी चैन की मूवी है ना, बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए लगा दी। बहुत अच्छी फिल्म है, उसमें फाइट भी है। आप मुहूर्त निकालिए। ठीक है, आजा। माँ लक्ष्मी जैसी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही हो। अरे भैया, मुझे भी एक कटिंग पिलाओ ना। पी लेना। ये क्या है, अपनी मान मर्यादा छोड़कर भीख मांग रहे हो? अरे दिल को तकलीफ हो रही है ना। अरे अय्या, पंडित जी चिल्ला मत, सुनिए, चिल्ला मत। मणि, मणि, अगर तुम चाहते हो कि मैं चिल्लाऊं नहीं, तो बिना चिल्लाए मार खाओ, समझ गए? धना कहाँ है? कहाँ चला गया वो? मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। जी, मैं अंदर जाता हूँ, आप यहाँ संभालिए। क्या बात है बेटा, अचानक कहाँ चले गए थे? एल्बम, फैमिली एल्बम ढूंढ रहा। अच्छा अच्छा, इसीलिए है। पंडित जी, आप अच्छी तरह देखकर मुहूर्त निकालिएगा। हाँ हाँ, तुम रुको बेटा, आप समझ गए ना? इस घर में क्या हो रहा है? ऊपर बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। क्या हुआ, ऊपर से बहुत आवाज आ रही है? अब, 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 वो बगल के घर वालों के बच्चे ना आम चुराने आए होंगे। अच्छा अच्छा। सुना ना तुमने, तुम जैसे यहाँ भी अतरंगी किस्म के लोग हैं। ऊपर चढ़ गए हैं, ऊपर चढ़ गए हैं। साहब आप संभालिए, मैं देखता हूँ। हमारे घर में ऐसे अतरंगी लोग हैं। क्या हुआ पंडित जी, मुहूर्त निकालने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, जल्दी तारीख बताइए ना। Oh!
भगवान, ये तो सभी के सभी गुंडे हैं, ये तो हमें मार डालेंगे। हे भगवान, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर वॉशरूम कहाँ है? क्या है ना, तुम रुको, मैं दिखा देता हूँ। आइए आइए आइए। अरे देखो ना, ये बाहर से आवाज कैसी आ रही है। मैडम, इधर है क्या? आप क्या है ये? अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो एक मिनट है। अरे बाप रे, यहाँ यहाँ कपड़ा धो रहे हैं, यहाँ का वास्तु ठीक नहीं है। आइए आइए, इधर आइए, आइए 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 ना मैडम। वैसे आपके पति तो अच्छे हैं। वो अच्छे हैं। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बताइए वॉशरूम कहाँ है? यहाँ तो बालकनी है। आइए मैडम, बाथरूम, जहाँ भी जाता हूँ कपड़ा ही धोते हैं, यहाँ भी धुलाई चालू है, इस बाथरूम में पानी नहीं है। आइए ना मैडम, आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या कर रहे हैं? ये बाथरूम सही। बताइए ना वॉशरूम कहाँ है? आप आइए ना मैडम, बताइए ना, बताते क्यों नहीं? एक मिनट है। यही है ना, अब मैं जाऊं? जाइए जाइए जाइए। बाप रे, एक वॉशरूम दिखाने में इतनी देर लगा दी। बाप रे। क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे कुछ नहीं, वॉशरूम दिखाने में इतनी देर लग गई, सो गए थे क्या? तुम भी कैसी बात कर रही हो, मैं तो बस मैडम को बाथरूम दिखा रहा था। मैडम, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें दूसरी मैडम की फिक्र हो रही है? हाँ, जवाब दे मुझे। बाहर निकल। तुम क्या कर रही हो, मरवाओगी क्या मुझे? देखा ना, ठीक है तुम वहाँ जाओ, मैं इधर संभालती हूँ। अरे अय्यर जी, अरे शिवशंकर जी, किधर हो? अय्यर जी, शिवशंकर जी, कहाँ, किधर हो, किधर हो, किधर हो? ए धना की बीवी हूँ मैं, मुझे तो अभी बताती हूँ, पुष्पा नाम है मेरा। अरे अय्यर जी, ये सब गुंडे हैं, इनका भरोसा मत करना, सुनिए। अभी बताती हूँ। अब आप लोग अपनी अपनी थाली बदल लीजिए। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनुवारि। अरे भरत कहाँ जाएगा? अभी तो यही की तरफ गया हुआ। कोई कहाँ कर बचा? कैसी आवाज थी? क्या हो गया? आज तक मैंने अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाया, तो फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरा बाप बिजनेस में मेरा दुश्मन था, और अब तू हमसे बदला ले रहा है, और इसीलिए तू मेरे बेटे को खत्म करना चाहता है। किसी को मारने के बारे में सोचना छोड़कर उसकी जगह बिजनेस के बारे में थोड़ा भी सोचा होता तो बड़ा आदमी बनता। ए, इतनी बड़ी बातें मत करो, ये लोग कौन है आपको पता है क्या? रायपुरम झोपड़पट्टी वाले। मर गए,
अय्यर तुम्हारे घर में मछली का सालन बनाओगे क्या? अगर उसकी बहन इस घर में आ गई तो यही सब करेगी वो। ये सब लोग मिलकर एक्टिंग कर रहे हैं और इन सब के पीछे तुम्हारे बेटे का दिया हुआ आइडिया है। मैं तो तुम्हारी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। जाओ उससे जाकर पूछो। हाथ हटाओ, कॉलर छोड़ो मेरा। ए, अरे कुछ भी हो मैं तुम्हारा भाई हूँ। 10% 20% डिस्काउंट आपस में एडजस्ट कर लेंगे। क्या है, वलुअर मंडप को नीलामी में लेने आए हो क्या? अरे अभी भाई आएंगे और सबके कपड़े फाड़ के रख देंगे। तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा, समझे क्या? भाई इन्हें मार कर गाड़ दो भाई, इनकी पुंगी बजा दो भाई, पुंगी बजा दो। जी, वो बात ये है कि 20 साल की उम्र में कपड़े की दुकान पर काम मांगने गया था। एक बड़े बुजुर्ग ने मुझसे पूछा कि तिरुकुरल पंक्ति जानते हो क्या। जानता हूं, ऐसा झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर मैंने पंक्ति याद की। मेरे हुनर को देखकर उसने मुझे काम दिया। मेरे विश्वास को देखकर उन्होंने अपनी बेटी से मेरी शादी भी करवा दी। उनके नाम पर कोई दाग ना लगे इसीलिए इज्जत से जी रहा हूं। ए, कौन हूं मैं? भाई पूरा गांव जानता है आप शिवशंकर शास्त्री हो। नहीं, गुंडा हूं। 10 साल की उम्र में जेल जाकर आने वाला गुंडा हूं, राय बरम का गुंडा। एक जमाने में मैं भी गुंडा था। इतने सालों से इस रहस्य को मैंने अपने दिल में दबाया था। यह सच्चाई सिर्फ मेरी बीवी को पता है, लेकिन आज तेरे कारण पूरा गांव यह जान गया। तेरा धन्यवाद भाई। ए, मेरा बेटा जो भी करेगा वो सही करेगा। हमारे परिवार के बीच किसी को बोलने का हक नहीं है। अब निकल। ए, भाई अगर मैं अपने पुराने रूप में आ गया तो तेरी खैर नहीं। निकल जा, चल जा। थोड़ी कुलल की पंक्ति की पढ़ाई की होती तो उनके परिवार में घुस जाता। बेटा यहाँ आओ। बोलिए ना। अपनी बहन की अच्छी जिंदगी के लिए तुमने और अपनी पोती की अच्छी जिंदगी के लिए आपने जितनी तकलीफें उठाई हैं उसे देखकर मैं खुश हो गया। आपके पूरे बाल सफेद हो चुके हैं तो इस उम्र में पंक्ति को पढ़ने के लिए आपने कितनी तकलीफें झेली। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत फक्र हो रहा है बूढ़ी माँ। भरत इधर आ। जिंदगी में क्या चाहिए? धन दौलत? प्यार चाहिए, प्यार जो कि इस घर में भरा पड़ा है।